मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावून फक्त निवडणुकीत फायदा घेण्यासाठी जो कुटील खेळ रचला जात आहे याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागेल असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा कार्याध्यक्ष तारिक साहिर लोखंडवाला यांनी केला आहे. रविवारी औरंगाबाद ते मुंबई मंत्रालय कार रॅली यवतमाळातून निघताना तारिक लोखंडवाला यांनी माध्यमांसोबत बोलताना या गंभीर मुद्द्यावर भाष्य केले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने फक्त येणाऱ्या निवडणुकीत फायद्यासाठी मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावण्याचा कार्यक्रम आहे, याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागेल असा इशारा देत त्यांनी वक्फ बोर्ड बाबत महत्त्वाचे भाष्य केले. जर एक वर्ग आरक्षणात दुसऱ्याची वर्गाची दखल पसंत करत नाही तर वक्फ संबंधात मुस्लिम समाजाच्या एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर हस्तक्षेपाचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला असा सवाल लोखंडवाला यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला. बार बार इस्लाम की बेहरमती और गुस्ता के रसूल के मामले होते हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो देश के अंदर में जो है नफरत फैलाने का एक प्रोग्राम इनका चल रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा में जो करारी हार बीजेपी को हुई है उसी को लेकर अभी विधानसभा के चुनाव राज्य में होने वाले हैं. कुछ 15-20 दिन में मेरा ख्याल से आचार संहिता लगने के चांसेस है, तो इसी को लेकर ये पॉलिटिकल स्टंट है. लेकिन ये सोच नहीं रहे कि पॉलिटिक्स के चक्कर में एक पूरे के पूरे कम्युनिटी के जो है ये दिल को ये दुखा रहे हैं और इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा. ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप किसी रसूल किसी पैगंबर के बारे में अगर गलत भाषाओं का इस्तेमाल अगर करते होंगे तो आपको इसके बारे में भुगतना पड़ेगा. और आपकी जो ये छवि है ये अच्छी नहीं है. आप एक संवैधानिक पद पर है, आपने समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. और वक्फ बोर्ड को लेकर भी, मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद को लेकर भी जब आपने दिया ही नहीं तो आपको लेने का अधिकार भी नहीं है. अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा कि मराठा आरक्षण के लिए बड़ी बड़ी रैलियां ही निकाली जा रही है, लेकिन ओबीसी उसमें ये कहता है कि मराठा आरक्षण को अलग दिया जाए, ओबीसी में शामिल ना किया जाए. जब आरक्षण के अंदर में आप जो है किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आपके अख्तियार में लेने का या आपको अपने अंडर में लेने का ये अधिकार किसने दिया? ये तो जालिमाना कानून मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है. इसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए. आपको इसके बारे में भुगतना पड़ेगा. और आपकी जो ये छवि है ये अच्छी नहीं है. आप एक संवैधानिक पद पर है, आपने समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं. इसके बारे में गुस्ताखी की जा रही है और आए दिन कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, इस सारी घटनाओं का निषेध करने के लिए मुसलमानों ने एक धरने प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से मुंबई के अंदर रखा है. और इसी के लिए हमारे अपने शहर से बल्कि पूरे ही राज्य से नौजवान काफ़ी तादाद में, कसरत तादाद में मुंबई पहुंच रहे हैं. और मैं इन सबको अपनी जानिब से मुबारकबाद दूंगा और इंशाल्लाह कल मैं भी इस रैली में, इस धरने प्रदर्शन में, इस आंदोलन में मैं भी शरीक हूँ.